हर हाई स्कूल में उस कलेक्टर के रूप में और खास करके इस विद्यालय पर टाप किया है दीपक कुमार ने। हम आपको बता दें कि दीपक कुमार जब पेपर नहीं दिए थे तो ज्यादातर हमारे टीचर स्टाफ के लोगों ने पहले ही और हमने स्पेशल रूप से बोल दिया था, क्योंकि वो पहले ही लक्षण दिख जाते हैं कि इस बार विद्यालय में हाई स्कूल में दीपक ही टाप करेगा, और हुआ भी वही। और एक नई घोषणाएं हुई थी हमारे प्रिंसिपल साहब के द्वारा कि यदि हाई स्कूल में जो भी बच्चा टॉप करेगा 85% से ऊपर जिस भी बच्चे का आएगा उसका एडमिशन अगली क्लास में निशुल्क किया जाएगा, सब कुछ निशुल्क रहेगा उसका। एक बार फिर से ताली मारो। ऐसा नहीं बोर्ड में टॉपर है, हाई स्कूल में बोर्ड में टॉप किया है इसने, हाई स्कूल में बोर्ड टॉप किया है, ध्यान रहे 86% है। और आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो दूसरे स्थान पे आ रही है उनके लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट थोड़ी देर तक होनी जरूर चाहिए। निर्मला, इनके बारे में सुना है कि इनके मम्मी पापा बाहर रहते हैं, ये अपने घर पे अकेली रहती हैं, दादा दादी रहते हैं, तो उनका उसी की देख रेख करना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस बच्ची ने हाई स्कूल में मतलब टॉप किया है, सेकंड डिवीजन इस विद्यालय में है। और तीसरा स्थान इस विद्यालय में मिला हुआ है सोनम भी।